व्हाट्सएप प्रेसिडेंट्स इस वीडियो में ये घोंचू आपको बताएगा 5 बेसिक ट्रैक्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल के बारे में। चल घोंचू शुरू कर। सक्सेसफुल पर्सन, सक्सेस। सक्सेस पाना कोई लॉटरी नहीं है जहाँ पर आपकी किस्मत चमक जाती है। सक्सेस पाया जाता है नई चीज़ें सीखकर और उसका इस्तेमाल करके। और अगर कहीं पर रिजल्ट ना मिले तो ऑफकोर्स उससे चिपक कर। चिपके रहने से मेरा मतलब है, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम हो या आप किसी चीज़ से हार मान जाओ, उस समय भी जो आप कर रहे हो उससे आपको चिपके रहना है। तो जब सक्सेस की बात आती है, हमें दुनिया की बड़ी पर्सनैलिटीज़ का ख्याल आता है, जैसे बिल गेट्स या एलॉन मस्क। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जितनी भी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं उनके सेम ट्रैट्स हों, ज़रूरी नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसे कुछ बेसिक ट्रैट्स हैं जो इन सब में कॉमन है। चलिए देखते हैं। पहला, एस्पिरेशन। एस्पिरेशन या आकांक्षा एक दृढ़ आशा, सपना और लक्ष्य है। ये एक ऐसी शक्ति है जो कभी आपका बुरा नहीं चाहती। ये सदैव चाहती है कि आप अपने आप से ऊपर उठो। ये सदैव चाहती है कि आप बेहतर बनो। तो ये एस्पिरेशन विभिन्न भाव की होती है। शायद ये किसी में अपने कैरियर के लिए हो सकती है, या किसी में दूसरों की सहायता के लिए हो सकती है, या कभी कभी खुद के लिए भी होती है। एस्पिरेशन को इस तरह समझिए, हम सब ने कभी ना कभी तारों तक तो पहुँचने का सपना तो देखा होगा, पर शायद ही हम उस तक पहुंच पाते हैं। पर जब हम ये सपना अपने माता पिता को बताते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो मुस्कुराते होंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि हमने अपनी सफलता की तरफ पहला कदम बढ़ा लिया है। भले ही हम तारों तक पहुंच ना पाए, लेकिन उस तक पहुंचने की कोशिश हमें हमसे एक कदम आगे कर देती है। तो जो गोल को पाने की आकांक्षा हम रखते हैं वो भी एकदम स्ट्रॉन्ग और एकदम क्लियर होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा एक गोल है कि मुझे अमीर बनना है। मुझे पता नहीं है मैं कैसे बनूंगा, लेकिन मुझे बनना है। कोई सेंस है इस बात? ये गोल सिर्फ नाम का गोल है, क्योंकि इसका कोई पाथ ही नहीं है। दुनिया की बिग पर्सनैलिटी सिर्फ अमेजोन बना के थोड़ी अमीर बनी है। उनका सबका अपना अपना पाथ था। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, बिल गेट्स का माइक्रोसॉफ्ट और एलन मस्क का स्पेसएक्स और टेस्ला। इन सब के अपने अपने गोल स्पेसिफाइड थे और सबका अपना अपना पाथ और अपना रास्ता क्लियर था। तो अमीर बनने के रास्ते बनाइए, ना कि ये सोचते बैठे रहें कि मुझे अमीर बनना है। दूसरा है दोस्तों, ड्राइव। सक्सेसफुल पर्सन में सबसे कॉमन चीज़ है उनकी ड्राइव, जिसे हम मोस्टली लोग चुल के नाम से भी जानते हैं। बहुत चुल मचली है। लक्ष्य होना तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन सक्सेसफुल पर्सन को अपने गोल को पाने की कुछ ज़्यादा ही चुल मची रहती है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। इसे कुछ लोग पेट में आग लगना भी बोलते हैं। तो यही चीज़ है जो उनको हमेशा मोटिवेटेड रखती है। यही वो चीज़ है जो उनका ध्यान भटकने नहीं देती। उनका सारा फोकस, सारी अटेंशन, सारा मेहनत बस होता है उनके लक्ष्य की तरफ। तो सोचिए, क्या ये आपके अंदर है? क्या है वो चीज़ जिसे पाने के लिए आपके पेट में आग लगे रहती है? वो कुछ भी हो सकता है, सोचिए। तो जब आपको पता है कि आपके अंदर किस चीज़ के लिए अंगारे भड़क रहे हैं, तो ऑब्वियसली है कि आप सारा जहां छोड़कर उसमें जुट जाओगे, और तब तक नहीं उठोगे जब तक आप उसे पा नहीं लेते। किसी ने कहा था यार कि एंटरप्रेन्योर 3-3 दिन नहीं सोते। कारण यही है, कारण है उनके अंदर की आग। आग किस लिए है? अपने लक्ष्य को पाने की। और उसके लिए उन्हें किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। तो अपने अंदर भरोसा रखो, कोई आपको सीढ़ी चढ़ाने नहीं वाला, आपको खुद चढ़नी है। तीसरा है यारो, विलिंगनेस टू लर्न। आप लोगों ने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, और हो सकता है कि उनमें से एक आप भी हो। आपने देखा होगा कि वो कैसे हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे भागते हैं कि वो उनसे कुछ राह ले सके। हो सकता है कि वो उनके समस्या का समाधान कर सके। वो इंसान जितना हो सके ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है, चाहे वो गुरु का ज्ञान हो या अपनी ही गलतियों से प्राप्त हुई सीख। पर क्या इतना ज्ञान प्राप्त करना अच्छी बात है? कोई शक नहीं इसमें, ज्ञान प्राप्त करना अच्छी बात है। हो सकता है कि ये ज्ञान आपके जीवन में कहीं ना कहीं काम आ जाए, लेकिन ज्ञान के लिए भागना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जब आप ज्ञान के पीछे भागोगे तो जो ज्ञान आपके पास पहले से है उसका इस्तेमाल आप कर ही नहीं पाओगे, और वो ज्ञान धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। अगर आपके पास अपने लक्ष्य को पाने का पर्याप्त ज्ञान है
तो दूसरे ज्ञान के पीछे भागना क्यों? ऐसा इंसान ज्ञानी तो बन जाता है लेकिन कभी सफल नहीं हो पाता। ज्ञान एक ऐसा विशाल पर्वत है मेरे दोस्त, इसे तुम अपने घर पे नहीं रख पाओगे। हाँ, लेकिन उस पर्वत का ज्ञान का इस्तेमाल करके तुम उस पर्वत पे अपना घर जरूर बसा सकते हो। फोर्थ है पेशेंस। हमें बचपन से कहा गया है कि पेशेंस एक गुण है और शायद ही इसे हमें किसी ने सिखाया भी होगा। पेशेंस वो नहीं है जो हमारे पास होता है, पेशेंस वो है जो हम यूजुअली करते हैं। पेशेंस एक ऐसी डिसिप्लिन है जो बड़ी मुश्किल से मिलती है। जितना प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही आप सब्रशील बनोगे। तो सक्सेसफुल बनने के लिए हमें पेशेंस चाहिए। हालांकि हम सब चाहते हैं कि चीज़ें जितनी जल्दी निपट जाए उतना अच्छा, लेकिन सक्सेस टाइम लेता है। जो भी चीज़ इस दुनिया में पाने योग्य है वो इंतज़ार ज़रूर कराती है। तो जो लोग बड़ी चीज़ों से बंधे हुए हैं वो इस पेशेंस को ज़रूर जानेंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा कि मंदिर में एक श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए तब तक खड़ा रह जाता है जब तक उसको उसके दर्शन प्राप्त नहीं होते। लेकिन अगर आप उसी श्रद्धालु की जगह एक नास्तिक को ले आओगे तो जैसी बात है वो यही कहेगा, अरे यार बहुत भीड़ है कल आएंगे। तो आप ही बताइए, दर्शन किसे प्राप्त होंगे? वो श्रद्धालु को जिसने सब्र किया, या वो नास्तिक जिसे ये भी नहीं पता कि मंदिर में कभी भीड़ कम नहीं होती और कल आएगा करता रह जाता है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पेशेंस आपको विपरीत परिस्थितियों में बने रहने की अनुमति देता है, क्योंकि इससे आप उन गलतियों से सीखने और उसे समझने की कोशिश करोगे जिनका भुगतान आपको भविष्य में करना है। पेशेंस रखना बहुत चैलेंजिंग होता है। हाँ, मजाक की चीज नहीं है। हाँ, लेकिन ये लंबी दौड़ में बहुत हेल्प करता है। पांचवा है डिसिप्लिन। सक्सेस पाने के लिए कंसिस्टेंट रहना जरूरी है, और कंसिस्टेंट रहने के लिए हमें डिसिप्लिन चाहिए। एक हफ्ते तक मेहनत करना और फिर एक हफ्ते तक आराम करने से लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। ज़्यादातर सक्सेसफुल पीपल ने यही माना है कि एक रूटीन होना एक बेस्ट वे है अपने गोल्स को हकीकत में बदलने के लिए, क्योंकि ये उन्हें अपनी मेहनत पर कंसिस्टेंट रखता है। तो सबके रूटीन अलग अलग होते हैं क्योंकि सबका अपना अपना होता है, लेकिन कुछ कॉमन रूटीन होते हैं जैसे सुबह जल्दी उठना और अपने दिन के हिसाब से अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करना, या सिर्फ 30 मिनट कुछ ऐसा पढ़ना जो आपकी गोल्स को पाने में हेल्प कर सके। तो कंसिस्टेंट या अनुशासन में रहना आपको अपने से एक कदम आगे बढ़ा देता है। तो यही एक ऐसा ट्रेट है जो एक सक्सेसफुल इंसान को उसकी सफलता का पूरा आनंद लेने की अनुमति देता है। तो सक्सेसफुल बनने के लिए और क्या चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई सी यू नेक्स्ट टाइम।